सेवा करने वाले हैं फिर भी आपको धमकियां मिल रही है, आप उनके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं? देखिए, मैं मोहम्मद शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हार्मनी, और एक ऑर्गेनाइजेशन मेरी और है, मुस्लिम युवा आतंकवाद विरोधी समिति, मैं चलाता हूँ। और मैं देश में सांप्रदायिकता फैलाने वालों के खिलाफ, देश में आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे वो किसी हिंदू के साथ हो, मुस्लिम के साथ हो, सिख के साथ हो, ईसाई के साथ हो, या किसी दलित के साथ हो, उसकी आवाज को मैं उठाता हूं और जिंदगी भर उठाता रहूंगा। इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। हाल ही में मुझे एक बहुत बड़े जैन गुरु ने धमकी दी है फेसबुक के जरिए, और एक कोई छुट भैये नेता ने मुझे धमकी दी है, जिसकी शिकायत मैंने दिल्ली पुलिस को लिखत में, ये डीडी नंबर है, दिल्ली पुलिस को मैंने लिखत में कर दी है। और इस पूरी स्टोरी और पूरी कहानी मैंने बता दी है। अगर कोई मस्जिद की सील खुलवाने के लिए मुझे मारना चाहता है तो मैं मरने को तैयार हूं। कोई इस देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहता है, मैं उसका विरोध करूंगा। अगर उस विरोध के कारण मुझे मारना चाहता है तो मैं मरने को तैयार हूं। लेकिन मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं अपनी जंग, अपनी लड़ाई इस कौम के खातिर, इस देश के खातिर मैं लड़ता रहूंगा, अपनी आवाज को हमेशा बुलंद कराता रहूंगा। मैंने जुम्मे वाले दिन गुड़गामा में मदीना मस्जिद की सील खोलने के लिए गया था, लेकिन पुलिस ने हमारे साथियों के, 24 साथियों के साथ हमें गिरफ्तार किया, हमने गिरफ्तारियां दी। और मैं अभी उस मदीना मस्जिद के लिए चुप नहीं बैठा हूं। मैंने आदरणीय देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी से, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब से लिखित में शिकायत पत्र भेजे हैं, और मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा। जब तक उस मस्जिद की सील नहीं खुलेगी, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। और खाली इस मस्जिद की सील के बारे में बात नहीं है, हमारे पूरे देश में मैंने हिंदू युवा वाहिनी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की हुई है और हमेशा करता रहूंगा। चाहे कोई भी संगठन हो जो इस देश के खिलाफ चलेगा, इस देश के नागरिकों के खिलाफ चलेगा, मैं उसके खिलाफ हूं। साथ ही साथ, लेकिन इतने बड़े महापुरुष होने के बाद, जैन समाज के लोग होने के बाद, अगर कहते हैं कि 10,000 हिंदू मेरी हत्या कर देंगे, शकील सैफी को घर से उठा करके लाओ, शकील सैफी का घर का पता दो, मैं अपना मोबाइल नंबर 9891835555, ये मेरा मोबाइल नंबर है, और मैं नांगलोई क्षेत्र में रहता हूं, आपको मेरी हत्या करने की कोशिश करनी है, आपने मेरे घर का एड्रेस मांगा है, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा हूं, अपने घर का पता भी आपको दे रहा हूं। लेकिन मैं इस कौम की जंग लड़ता रहूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा इंशाल्लाह। और इस देश के सारे साथी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब मिलकर के इस देश को आजाद कराया है, हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद कराया है। मैं उन छुट भैया नेताओं से, जैन गुरु कहलाने के लायक ही वो नहीं है, मैं उन्हें भी ये बताना चाहता हूं कि इंडिया गेट पर जाओ, जहां पर अमर जवान ज्योति जलती है, उस इंडिया गेट के ऊपर 55% मुसलमानों ने शहादत दी है, कारगिल में मुसलमानों ने शहादत दी है, कहां कहां मुसलमानों ने शहादत नहीं दी है। इस देश को तोड़ने का काम ना करें, इस देश को जोड़ने का काम करें। और अगर इस देश को जोड़ने के लिए, इस कौम को
हमदर्दी के लिए, कौम की मदद के लिए मेरी जान भी जाती है, तो मैं जान भी देने के लिए तैयार हूं हंसते हंसते। और मैं साथ ही साथ आपसे एक वादा करता हूं, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, किसी की कोई भी समस्या हो, जिस काबिल भी मैं हूं, उसकी हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार है, कानून व्यवस्था है, और असामाजिक तत्वों को मेरा खुला चैलेंज है, मैं उनके साथ हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। हर जो भी वो लड़ाई मुझसे लड़ना चाहे, मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे घर पे 10,000 हिंदू बेच करके मेरी हत्या करवाएं, चाहे उनके पास 50,000 आश्रम के हिंदू तत्व के लोग हैं, उन्होंने बोला है कि तुझे घर से उठा लाएंगे, शकील सैफी को घर से उठा लाएंगे, मैं वो गंदी लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता हूं। बाकी इस देश के लिए अगर मेरी जान भी जाए तो मैं हंसते हंसते कुर्बान कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।